आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज। इंडिया गठबंधन में फूट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना किसके साथ? प्रियंका चतुर्वेदी बोली, अगर ममता बनर्जी नेतृत्व। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की हवा चल पड़ी है, इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अनुभव है। वहीं इस मामले पर पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है, ममता बनर्जी से बेहतर कोई नेता नहीं है जो बीजेपी से लड़ सकता है। बीजेपी के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 70% का है, जबकि कांग्रेस का 10% ही है। इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ना है तो एक कुशल नेतृत्व का होना जरूरी है। दरअसल ममता बनर्जी के विपक्षी दलों के गठबंधन के नेतृत्व करने को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता इस बयानबाजी में शामिल हो गए हैं। इस बीच राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। पटना में मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए, ममता बनर्जी। इस दौरान पत्रकारों ने जब उनसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। कांग्रेस की आपत्ति से जुड़े सवाल पर लालू ने कहा, कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। गौरतलब है कि ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे का संकेत दिए थे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ने कहा था कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपना भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी।